हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं कि हम लोग अगर मान लीजिए ऑफिसर बनना चाहते हैं रेलवे में, तो आप कैसे बन सकते हैं बिना जो है यूपीएससी क्वालिफाई किए। मतलब विदाउट यूपीएससी भी आप रेलवे में ऑफिसर बन सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा इंजीनियरिंग के किसी भी डिसिप्लिन में, और आप जो है सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए आवेदन कर सकते हैं। और सीनियर सेक्शन इंजीनियर अगर आप रेलवे में बन जाते हैं, जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा सिलेक्टेड होता है, तो उसके बाद आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर से ग्रुप बी का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्रॉस करके रेलवे ऑफिसर बन सकते हैं। ये जो ग्रुप बी का जो एग्ज़ामिनेशन होता है, आजकल बोर्ड से होता है। पहले जनरल रेलवे में अलग अलग होता था, बट अब बोर्ड से होने का इसका प्रावधान है। तो इस एग्ज़ाम को आप क्लियर करके, इसके लिए आपको 5 साल की सर्विस करनी पड़ेगी एसएससी में, और 5 साल की सर्विस कम्प्लीट करने के बाद आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। और आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं तो आप इसमें ग्रुप बी का एग्ज़ाम देके आप जो है ऑफिसर बन सकते हैं। जूनियर स्केल में आपको एई या एसटी या एईएन की पोस्ट मिल जाएगी, जो कि 5 से 7 साल लगता है। उसके बाद आप डीएन बन जाएंगे या डीई बन जाएंगे, डीओएम बन जाएंगे, उस तरह से आप बन सकते हैं जो सीनियर स्केल का पोस्ट होता है। उसके बाद आपको यूपीएससी जो ग्रुप ए की सीनियरिटी दे देता है, यूपीएससी के ग्रुप ए ऑफिसर्स के साथ आपकी सीनियरिटी मर्ज हो जाती है, और फिर आपको किसी एक बैच जो यूपीएससी द्वारा सेलेक्ट होगा उसके साथ आपकी सीनियरिटी मिल जाएगी, और आगे आपको ग्रुप ए मिल जाएगा। और उसके बाद आपके प्रमोशंस जो हैं वो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में हो जाएंगे, फिर सिलेक्शन ग्रेड में हो जाएगा, और उसके बाद आप रिटायर होते होते सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड तक भी जा सकते हैं, अगर आपने कम एज में ये एग्ज़ाम जो है क्रॉस कर लिया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आते हैं, 5 साल की नौकरी करते हैं, और उनका 30-32 साल में जो 5 साल हो जाता है, उसके बाद वो ये एग्ज़ाम निकाल लेते हैं शुरू के अटैम्प्ट में ही, तो वो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड तक चले जाते हैं रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि उनके पास ऑफिसर्स में ग्रेड में सर्विस करने के लिए कम से कम 25 से 30 साल बचे होते हैं, और वो आराम से जो है उनका प्रमोशन सत्ता हो जाता है। जो लोग थोड़ा लेट निकालते हैं 40-45 के आसपास, वो जनरली जे ग्रेड तक आते आते रिटायर हो जाते हैं। बट इतना है कि आपको जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, मतलब जो आपका डिप्टी चीफ इंजीनियर या सीनियर डिविजनल इंजीनियर या सीनियर जो है डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर, उस तरह की, या सीनियर डीसीएम, डीसीएम, ये वाली पोस्ट तक आप आराम से पहुंच सकते हैं। और अगर आप जल्दी आ गए, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कम एज में आए, वो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड तक भी पहुँच गए हैं, जो कि आपका चीफ रैंक का होता है, उस ग्रेड में भी वो पहुँच गए हैं, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोला जाता है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर पाते हैं, तब भी आपके पास मौका है कि आप ये जो दूसरा तरीका है एसएससी के थ्रू आके और फिर ग्रुप बी का एग्ज़ाम निकाल के ऑफिसर बन सकते हैं। तो ऑफिसर बनने का ये तरीका जो है वो एक वे है, और दोनों का 50-50% वेटेज होता है, वैकेंसी में वेटेज होता है। तो 50% यूपीएससी से डायरेक्ट आते हैं, और 50% आपके प्रमोटी ऑफिसर्स होते हैं। इसमें आप एक प्रमोटी ऑफिसर होते हो, जो कि कुछ साल सुपरवाइजरी कैडर में काम करते हो, उसके बाद आप ऑफिसर कैडर में काम करने लगते हो। तो ये जो है इसका नोटिफिकेशन आने वाला है 2022 में, शायद मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आएगा। और इसकी जो बेसिकली जो है एग्ज़ाम होता है वो इंग्लिश हिंदी में होता है, 120 मिनट का एग्ज़ाम होता है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर पोस्ट कहलाती है। और लेकिन आपने अगर ग्रुप बी एग्ज़ाम नहीं निकाला, तो आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर में ही रिटायर हो जाते हैं। मतलब आपको प्रमोशन के लिए ज़रूरी है कि ग्रुप बी एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है। अगर आप ग्रुप बी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर में ही इंडक्शन होगा, और वहीं से आप रिटायर हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग इसमें जो है किस किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या रहते हैं। तो इसमें ग्रेजुएशन चाहिए होता है किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से। एज रिलैक्सेशन एस सी एस टी को 5 साल तक होता है। नॉर्मली जो एज है वो 20 से 34 साल तक रहती है। ओबीसी को 3 साल का रहता है, और एक्स सर्विसमैन को भी इसमें रिलैक्सेशन रहता है। पर्सन जो डिसेबिलिटी में वाले हैं उनको 10 साल का रहता है, और जो ओबीसी के 10 साल वाले हैं उनको 13 साल का रहता है, और जो एस सी एस टी उनको 15 साल का रहता है, और जो विडो डाइवर्स वुमेन वगैरह हैं उनका भी रिजल्ट में 35 साल तक का रहता है, ओबीसी में 38 और एस सी एस टी में 40 साल तक। अब इसमें जो है एग्ज़ाम किन किन पोस्ट के लिए होता है, तो एस एस सी जो है सिविल इंजीनियरिंग में होता है, पी वे के होते हैं। पी वे मतलब आपका जो ट्रैक होता है, जिसको बोलते हैं पाथवे, उसके लिए होता है। ब्रिज के लिए होता है, एस एस सी ब्रिज, जो ब्रिजेस देखता है। एस एस सी ड्राइंग होता है सिविल में, एस एस सी डिजाइन एंड एस्टिमेशन होता है, ट्रैक मशीन होता है एस एस सी, ये सिविल इंजीनियरिंग के हैं। इसमें बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग मांगी जाती है। फिर मैकेनिकल में सेक्शन इंजीनियर जो होता है वो होता है आपका वर्कशॉप का होता है, एस एस सी वर्कशॉप, एस एस सी कैरेज एंड वैगन होता है, एस एस सी डीजल मैकेनिकल होता है, एस एस सी डीजल इलेक्ट्रिकल होता है,
और आपका जिग एंड टूल्स का एक एसएससी होता है, मैकेनिकल ड्राइंग एंड डिजाइन का होता है। इसमें आपकी पोर्ट 4 साल की जो डिग्री मांगी जाती है मैकेनिकल में होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल मशीनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल टूल एंड मशीनिंग ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इसमें किसी में एक डिग्री होना चाहिए। उसके बाद फिर आता है आपका जो है इसमें सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में होता है, इलेक्ट्रिकल में आपका इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विसेज देखता है, इलेक्ट्रिकल TRD देखता है, इलेक्ट्रिकल TRS देखता है, जो आपका ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक होता है, वर्कशॉप देखता है, ड्राइंग डिजाइन, ड्राइंग सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन वर्कशॉप, और आपका SNT का भी होता है। तो ये जो SNT सिग्नल एंड टेलीकॉम देखता है, ड्राइंग देखता है, दोनों के लिए, और जो इलेक्ट्रिकल है उसमें 4 ईयर बैचलर डिग्री चाहिए होती है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर MSc इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी आपका चल जाता है। और सेक्शन इंजीनियर ट्रैक मशीन होता है, उसमें आपका सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का जो डिग्री है 4 साल का बैचलर डिग्री वो होता है। तो ये जो है इसका ये होता है। आप इसमें जो बेसिकली एग्ज़ाम होता है वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में होता है, और जो आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है उसमें क्या पूछा जाता है बेसिकली वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। तो मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश हिंदी के होते हैं, 150 क्वेश्चन नॉर्मली रहते हैं, 120 मिनट में आपको करना पड़ता है, नेगेटिव मार्किंग रहता है नॉर्मली, जिसमें कि माइनस मार्किंग जिसको बोलते हैं वो रहता है। और सिलेबस जो है इसमें बेसिकली आपका जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहता है, इसमें आपसे जो पूछा जाएगा वो एनालॉजी पूछा जाएगा, पजल्स पूछे जाएंगे, मैट्रिक्स, ऑर्डर एंड रैंकिंग, बर्बर रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित होते हैं, जिसके लिए आप कोई भी जो रीजनिंग की या MBA वगैरह की तैयारी करते हैं वो आप इसमें यूज कर सकते हैं, जिसमें रीजनिंग की गाइड्स बहुत सारी रहती है वो आप यूज कर सकते हैं। वर्ड फॉर्मेशन रहता है, बिल्ड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और आपके सिलॉगिज्म से होते हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज होती है, बेन डायग्राम होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग से कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद आपका अर्थमेटिक आता है, अर्थमेटिक में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, सर्ट्स एंड इंडाइसिस, सिक्वेंसेज एंड सीरीज, प्रोबेबिलिटी, रेशो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, और आपका वर्क एंड टाइम, कंटिन्यूटी, टाइम एंड डिस्टेंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं अर्थमेटिक में। और फिर आपके ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइंस, कॉनिक सेक्शन, जो बेसिकली आपने 12th क्लास तक पढ़ा होगा या आपका 10th क्लास तक, वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉनिक सेक्शंस, प्रोबेबिलिटी, 3 डायमेंशंस, लिमिट, 3D, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, सेट थ्योरी, पाइप्स एंड सिस्टर्न, इस सबसे रिलेटेड। इसके बाद नंबर आता है जनरल अवेयरनेस का। तो जनरल अवेयरनेस में आपके पास करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल, हिस्ट्री, करंट इवेंट्स, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, बैंकिंग, स्टैटिक जनरल नॉलेज, बजट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, इससे रिलेटेड आपको तैयारी करनी है। जनरल साइंस में आपको 12th स्टैंडर्ड के जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ साइंस हैं, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो आप डेली यूज में साइंस में पढ़ते हैं, बायोलॉजी, जियोलॉजी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लड मैकेनिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, साइकिल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, हीट ट्रांसफर, स्टीम टेबल्स, मशीन टूल ऑपरेशन, कास्टिंग एंड मशीन इंस्पेक्शन एंड मेट्रोलॉजी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट हो गया, मेजरमेंट सिस्टम हो गया, सिग्नल एंड सिस्टम हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, बेसिक ऑफ सर्किट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्किट्स, एनालॉग, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सिविल इंजीनियरिंग में आपका कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन इन बिल्डिंग मटेरियल्स, स्टील स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एनालिसिस, मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स, कंक्रीट स्ट्रक्चर, सर्वेइंग, कोऑर्डिनेट सिस्टम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ट्रैफिक इंजीनियरिंग, वाटर रिक्वायरमेंट, एरर्स एंड एडजस्टमेंट, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, हाईवे प्लानिंग, प्रोजेक्शंस, कर्व्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सो इससे रिलेटेड आपको तैयारी इसमें करनी है। बाकी अर्थमेटिक के लिए आप जो है मैं बुक्स भी आपको बता देता हूँ, बुक्स बहुत कुछ अच्छी बुक्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। अर्थमेटिक के लिए आप पढ़ सकते हैं फर्स्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक, एक राजेश वर्मा की बुक आती है। जनरल अवेयरनेस के लिए आप ईयर बुक पढ़ सकते हैं, इसमें आप जनरल अवेयरनेस के लिए यूनिक की गाइड भी पढ़ सकते हैं, टाटा मैकग्रा-हिल की आती है वो पढ़ सकते हैं, और मैनोरमा ईयर बुक आती है वो पढ़िए। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर्स पढ़िए। जनरल साइंस के लिए जो है अरिहंत एक्सपर्ट्स की कुछ बुक्स आती है, इंसाइक्लोपीडिया आता है जनरल साइंस का, जनरल कंपटीशन का, आप वो पढ़िए। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए कार्य अग्रवाल की बुक आती है, मॉडर्न अप्रोच लॉजिकल रीजनिंग, वो आप पढ़ सकते हैं। और भी जो MBA की तैयारी के लिए बहुत सारी बुक्स आती हैं,
वो आप पढ़ सकते हैं, जो आपके एसएससी एग्जामिनेशन जो होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का उसकी जो बुक्स आती है वो पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो है दो स्टेज में होता है नॉर्मली, और कैंडिडेट जो है कट ऑफ मार्क्स प्राप्त कर लेते स्टेज वन में, उनको स्टेज टू के लिए किया जाता है। तो स्टेज वन में बेसिकली जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, जनरल मैथमेटिक्स रहेगी, और पेपर वन में, और पेपर टू में आपका जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, कंप्यूटर बेसिक्स एंड एप्लीकेशन, इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एंड जनरल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है वो रहते हैं। और उसके बाद जो है ये ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और स्टेज वन, स्टेज टू, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये इसका प्रोसीजर है। उसके बाद आप मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट हो जाते हो और आपका इस हो जाता है सिलेक्शन, तो ये आपकी वेबसाइट पे आ जाता है आपका रिजल्ट, और आप जो है आराम से स्कोर बोर्ड देख सकते हैं और आपका सिलेक्शन जो है हो जाता है। थोड़ा सा कट ऑफ इसमें हाई जाता है, नॉर्मली जो है 84-90% के आसपास कट ऑफ एक्सपेक्टेड रहता है अंडरजर्ड में। ओबीसी में थोड़ा लो जाता है 75-80%, एससी में 65-68%, और एसटी में 65-70% के आसपास जाता है। जो ये सिलेक्ट होते हैं आरआरबी से एसएससी, इसकी बेसिक पे आपकी 44,900 रहती है। डीएनएस अलाउंस आपका 34% है, जो कि आगे शायद 1 जुलाई से 4% बढ़ेगा, 39% तक हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाता है, और आपको एचआरए वगैरह मिलता है, और आपको डीए मिलता है, तो टोटल आपकी ग्रॉस पे जो है करीब करीब 70-80,000 के आसपास बन जाती है। तो ट्रेनिंग होती है इसमें, और ट्रेनिंग के बाद आपको ये सारे अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं। इसके अलावा भी कुछ और अलाउंसेस हैं, जैसे हाउस रेंट है, डीएनएस अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, प्रोविडेंट फंड है, रेलवे के पासेस हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, लीव इनकैशमेंट है, इंश्योरेंस स्कीम, फेस्टिवल एडवांस वगैरह, ये सारे आपको मिलते हैं। तो ये सब जो है बेनिफिट्स हैं इसमें, और आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद आप ग्रुप बी का एग्जाम देकर रेलवे के ऑफिसर भी बन सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ था जो मैं आपको बता रहा था एसएससी के एग्जाम के बारे में। होप यू वुड लाइक दिस वीडियो, एंड आई होप आगे भी आप लोग कंटिन्यू कर देखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।